हरि ओम प्रिय दर्शकों, मैं वेद प्रकाश त्रिपाठी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको पढ़ना सिखाएंगे कैसे देवानाम प्रार्थनीय श्लोक मंत्रा। प्रिय दर्शकों, मंत्र आप देख करके पढ़ भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको देवानाम प्रार्थनीय श्लोक मंत्रा में गणपति प्रार्थना मंत्र को श्रवण कराता हूं और पढ़ाता भी हूं। आइए प्रारंभ करते हैं। यम ब्रह्म वेदांत विदुः वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतं कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। प्रिय दर्शकों, उसके बाद श्री शिव प्रार्थना मंत्र। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशुनापतिम वंदे सूर्य शशांक वहनी नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। उसके बाद विष्णु भगवान की प्रार्थना, किसी भी पूजा पाठ में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहे क्षणम सहार वक्षस्थलको शुभस्त्रियम नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजम्। उसके पश्चात श्री राम प्रार्थना मंत्र। नीलाम्भुजस्यामलको मलांगम सीताशमारोपितवाम भागम पाणौ महासां यकुचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। उसके पश्चात श्री कृष्ण प्रार्थना मंत्र। वंशे विभूषित करा नवनीरदाभात ईताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखां दरविंद्र नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। उसके बाद श्री दुर्गा प्रार्थना मंत्र। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तो स्वस्थये स्मृता मतिमति वसुभां ददासि दारिद्र दुख भय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। उसके बाद प्रिय दर्शकों, गौरी प्रार्थना मंत्र। मुखे ते ताम्बूलाम नयन युगले का जल कलाम ललाट
काटे कश्मीराम विलसति गले मोक्ति कलता पुरात कांचे साटे प्रेतो कटे तटे हाटक मये भजामे स्वाम गौरी नमामे स्वाम गौरी नगपति के सोरे मवीरतम। प्रिय दर्शकों, उसके बाद श्री सूर्य प्रार्थना मंत्र। प्रिय दर्शकों, सूर्य प्रार्थना मंत्र आप जल देने के पश्चात, सूर्य भगवान को जैसे प्रातः जल देते हैं तो जल देने के पश्चात उन्हें प्रणाम करते समय इस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। धेयः सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्नविष्टः केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारे हिरण्यमय वपुर्धत शंख चक्र। उसके पश्चात श्री हनुमान प्रार्थना मंत्र। प्रिय दर्शकों, हनुमान प्रार्थना मंत्र का प्रयोग आप हनुमान जी का दर्शन करने भी अगर जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करने से पूर्व इस मंत्र का प्रयोग करें। भगवान हनुमान जी को इस मंत्र का प्रयोग करने से हनुमान जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। उसके पश्चात प्रिय दर्शकों, श्री सरस्वती प्रार्थना। सरस्वती प्रार्थना जिन बालकों की बुद्धि प्रखर ना हो या परीक्षा देने के बाद भी असफल हो जा रहे हों, तो परीक्षा देने से पूर्व या क्लास ज्वाइन करने से पूर्व इस माँ सरस्वती प्रार्थना मंत्र का आप कम से कम 11 बार पाठ करें, उसके पश्चात आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। या कुंदेन्दो तो सार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वतीं भगवती निःशेष जाड्यापः। प्रिय दर्शकों, उसके पश्चात श्री काल भैरव प्रार्थना मंत्र। कोई भी पूजन करने से पूर्व बाबा काल भैरव की प्रार्थना की जाती है कि आप हमारे इस पूजन कार्य की रक्षा करें, तो आइए काल भैरव बाबा का प्रार्थना मंत्र। ओम करकलित कपालः कुंडली दंड पाणी तरुण तिमिर नीलः व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुक नाथः सिद्धिदह साध का नाम। उसके पश्चात प्रिय दर्शकों, सर्वदेव प्रार्थना मंत्र। इस मंत्र का प्रयोग अगर आप किसी भी देवता की प्रार्थना कर रहे हैं, उस पूजन कार्य में सर्वदेव प्रार्थना मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से सभी देवी देवताओं को प्रणाम करने का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवः। उसके पश्चात प्रिय दर्शकों प्रयागराज प्रार्थना मंत्र। प्रयागराज सभी तीर्थों का राजा है और तीर्थों में प्रथम सर्वश्रेष्ठ तीर्थराज प्रयाग को माना गया है और यहाँ माघ मास में सभी देवी देवता एक माह के लिए जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो यहाँ आते हैं और यहाँ प्रयागराज में आकर के माँ गंगा का दर्शन, यमुना का दर्शन, यहाँ सभी संतों का दर्शन सभी देवता करने के लिए आते हैं। प्रिय दर्शकों यदि प्रयागराज प्रार्थना मंत्र आप किसी भी पूजा पाठ या किसी भी तीर्थ स्थान में या स्नान करते समय इस मंत्र को एक बार बोल करके जल से स्नान करेंगे तो गंगा स्नान का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। सीता सीतेया क्रतुरंग चामरे नद्यो विभाते मुनि भानु कन्यके नीलाब्ज पत्रम बटैव साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयागः सतीर्थराजो जयति प्रयागः। प्रिय दर्शकों यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप YouTube एंड Telegram चैनल को सब्सक्राइब करें या इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। प्रिय दर्शकों किसी भी प्रकार की धार्मिक पूजा पाठ या कुंडली परामर्श हेतु आप हमारे द्वारा दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और धार्मिक पूजन पाठ व कुंडली परामर्श हेतु नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों आप हमें टेलीग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं और फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको कैसा लगा। प्रिय दर्शकों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके हमें प्रोत्साहन बढ़ाएं। प्रिय दर्शकों यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित जरूर से जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय महाकाल।